हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब एक साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है, हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। नमो ऐप पर यूपी से भाई हिमांशु यादव ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। मदुरई से कीर्ति जी लिखती हैं कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मैसेज भेजकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कीर्ति जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है, उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। कीर्ति जी, देश का ये गौरवगान सुनकर मन की बात के श्रोताओं को भी गर्व होता है। आजकल मुझे भी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है, वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा। हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है, उनके मन पर गहरा प्रभाव है, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। साथियों, इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आपने एक और बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा, संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है, आत्मनिर्भर है। यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है। भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा।